जय श्री राम दोस्तों, आज है मेरी यात्रा का तीसरा दिन और मैं निकल गया हूँ वहाँ से। तो यार मैं ना अपने टॉल भूल गया था, तभी देखो भैया विशाल भैया मुझे टॉल देने के लिए आए हैं यहाँ पे। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 100 या 200 मीटर चला होगा अभी तक, और भैया आ गए थे। देखो जय श्री राम। अब आगे के सफ़र को कंटिन्यू करते और बस बने रहना ब्लॉग में। आज थोड़ा लेट हो गया था यार, नेटवर्क नहीं था ना, तो आगे जाके आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं फिर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, बाय बाय। तो अब यहाँ से मैं चलता हूँ। यार बहुत अच्छी फैमिली थी यार, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और रात को रुकने का भी सब कुछ हो गया था। बट अभी है ना, मेरा टॉल भूल गया था, मैं उनके घर पे ही आया था ना, तो वापस देने के लिए आए बाइक से भैया। चलो चलते हैं, जैसा भी है आपको मैं दिखाता हूँ। रास्ता कुछ इस तरह से है, देखिए, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। चलो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं काचरोली पहुंच गया हूं और यहां पर एक दुकान है देखो, चाय की, जो कुल्लड़ चाय देते हैं, काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी। अरे भैया से आपको मिलवाता हूं। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हो? चाय आपने काफ़ी अच्छी दी, मुझे अच्छा लगा चाय आपकी बहुत। तो यार भैया ने चाय पिलाई, काफ़ी अच्छी चाय थी भैया की और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हिंडौन की तरफ से, हिंडौन यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? हिंडौन यहाँ से 5 किलोमीटर है। और अभी कोई मिलने के लिए आ रहा है मुझसे, जो कि बस वगैरह चलाते हैं, तो उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी ये भाई साहब जी है जो कि इनका मैं वेट कर रहा था, हिंडौन से आए। या बस वगैरह चलाते हो आप? हाँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? संजीव राजा भाई। अच्छा अच्छा, मैं क्या एक्चुअली थोड़ा आपका नाम भी नहीं आ रहा था उसमें व्हाट्सएप पे, तो मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया था आपको। कितने किलोमीटर चलोगे एक दिन में? 25 किलोमीटर डेली चलता हूँ। अकेले जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? गंगा पे। बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई अभी देख लो यार, अपना ऐसे स्वागत किया था आपको, दिखाया मैंने, और काफी अच्छा लगता है यार जब ऐसे मिलते हैं ना तब। तो अब चलते हैं हिंडौन की तरफ, और बैग में काफ़ी ज़्यादा वजन है, तो यार मैं सोच रहा हूँ इसमें से थोड़ा सामान खाली कर लिया जाए। करीब 35-40 किलो वजन है यार, मेरे पैरों में ना छाले भी पड़ गए, तभी तो मैं कल थोड़ा कम चलाता है। उन भैया के घर पे स्टे कर लिया था मैंने। चलो कोई ना, देखते क्या होता है। बाकी अभी वो अंकल आए थे, वो बस चलाते हैं अलवर डिपो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब मोटिवेशन मिलती है, मिलने आते हैं। वो अंकल जी देखो ये लेके आए थे, वो अंकल जी चीकू लेके आए थे मेरे लिए, तो अभी चीकू खा रहा हूँ जिससे एनर्जी आ जाएगी थोड़ी। अच्छा लगा यार, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका ये चीकू लाने के लिए एंड वेलकम करने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ हिंडौन सिटी, और हिंडौन सिटी का जो वो व्यू पॉइंट है ना, वो मैंने आपको दिखाया। और यार यार एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी हिंडौन के अंदर, जो कि ये है देखो, साधनों के लिए नीचे रोड बना हुआ है जिस पे साधन चल रहे हैं, और ये देखो पैदलों के लिए जो ऊपर बना रखा है, कितना अच्छा रास्ता है यार वो देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि साधनों के बीच में होके नहीं जाना पड़ेगा पैदल, अब इससे जाएंगे तो ये देखो काफ़ी अच्छा है। और ये डैम भी बना हुआ है, ये मेरे ख्याल से अभी बना हुआ है यार। कोई मंदिर भी है उधर, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, उधर उधर भी कुछ बना हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं फाइनली हिंडौन पहुंच गया हूं, और जो मेरा बैग का सामान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ना, तो मैं बैग का सामान कम करने के लिए यहां पे आ गया हूं। ये देखो गोपाल मेडिकल एजेंसी है, तो बैग का सामान काफ़ी ज़्यादा था देखो, तो इसमें निकाल दिया है पूरा, जो भी फालतू का सामान है वो निकाल दिया। और मेरा कैंपिंग टेंट है ये भी देखो मैंने निकाल दिया है। अब बैग का सामान थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, जिससे चलने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि यार तबीयत डाउन हो गई थी और पैरों में छाले भी पड़ गए थे मेरे, इसलिए अब वजन कम करना पड़ेगा। कल जी जय श्री राम, मैं क्या वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए उसमें। तो ये देखो अंकल का स्टोर है, काफ़ी अच्छा है पूरा मेडिकल का, तो यहाँ पे मैं अपना सामान पूरा रख जाऊँगा। बाकी मेरा ये रहा देखो बैग, और ये रहा मेरा सामान। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है आज मैं हिंडौन मेरा स्टे था, और मैंने अपना सामान वो मेडिकल स्टोर पर रख ही दिया था। तो यार आज पता है मैं एक भाई का वेट कर रहा था जिसके लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, और अभी हम है एक भाई के रूम पे जो कि दिल्लू के रिलेटिव में से है,
तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो ये देखो। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। और क्या करते हो वैसे आप? स्टडी कर रहे हैं भाई। क्या तैयारी वगैरह कर रहे हो? SSC GD की। चलो बढ़िया आया। तो एक तो ये धर्मवीर भाई, और एक भाई और है जिससे मैं आपको मिलवाता हूँ। ये देखो। हेलो फ्रेंडो, कैसे हो भैया? ठीक ठाक है। तो यार भाई देखो, अभी ना खाना बना रहे हैं। तो ये होती है एक स्ट्रगल लाइफ, जो अपनी अभी तैयारी कर रहे हो अभी। हाँ। किस चीज़ की? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भाई। आर्मी की। तो यार देखो, ये लाइफ होती है, खुद बना के खाना होता है, तो बहुत मेहनत करते हैं भैया। तो मैं भगवान से ये बोलूँगा कि आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। बाकी जय श्री राम। जय श्री। देखो भाई, रोटी वोटी बना दे। और जो मेरा फ्रेंड आने वाला था ना, उससे मैं आपको मिलवाता हूँ। पहले भी आप उसको जानते हो। तो ये रहा मेरा फ्रेंड। सो दोस्तों, आ चुके हैं और उमेश भाई मिल चुके हैं। एंड भैया का ही बहुत बहुत धन्यवाद जो हम यहाँ पर रुके हो। और गाइस, सुबह स्टार्ट कर देंगे अपना जो आगे का जो प्रोसेस। तो यार इसी की वजह से ना, इसी का वेट कर रहा था, इसलिए आज हम आगे गए नहीं, हिंडोन में अपना स्टे कर लिया। और ये भाई काफी अच्छे यार, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और इनके साथ रूम पे आज रुकेंगे। भैया कैसा लगा आपको मिलके हमसे? सही से बताना। बहुत अच्छा लगा भाई। और हम ये यात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बोलोगे? दो सब ये केयर कर रहे हो जो आप भाई, बिल्कुल सही है। मतलब आप एक तरीका से धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, तो हम तो भाई सभी हिंदू भाई हैं जो मतलब यही काम करते हैं। बिल्कुल भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है यार, भैया से मैं आपको मिलवा चुका। भैया भी खाना बना लिया और अभी हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। भैया आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप सच में बहुत अच्छे हो यार। और ये ना अपने घर से इतने दूर आके देखो, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जी किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की, GD की है ना। हाँ। ये भाई भी हमारे साथ, धर्मवीर भैया, ये भी तैयारी कर रहे हैं। तो यार बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और बहुत भविष्य में आगे बढ़े, ऐसे ही इनकी नौकरी भी लग जाएगी जल्दी से, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं यार ये सच में। घर परिवार छोड़ के इतना दूर रहना, फिर खाना पीना सभी करना। और दिन में भी मैं यहाँ पे पहुंच गया था भैया के पास, तो दिन में भी इन्होंने गर्म गर्म खाना बना के मेरे को खिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। काफी भूख भी लग रही थी। देन अभी रात में फिर से देखो खाना खा रहा हूँ मैं, पेट तो फूल है, लेकिन भैया के कहने पे मैं एक पराठा खाऊंगा मैं। तो जय श्री राम। और कुछ दो शब्द आप कुछ कहना चाह रहे? जय श्री राम। हमको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे जो देश के युवा पीढ़ी में आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू ब्रो।